हाँ जी, गुरु स्टडी पॉइंट ते आप जी का स्वागत है जी। सो दोस्तों, जिवें कि तुहानू पहलां ही पता है, आपां अपने चैनल ते गुरु स्टडी पॉइंट दे राही मास्टर ग्रेडर SST दीआं पोस्टां दी तैयारी करवा रहे सीगे। सो विच दी अपना गैप पै गया सीगा 15-20 दिनां दा। सो आपां दुबारे शुरू कर रहे हां जी। अज दा अपना लैक्चर है गवर्नर दे नाल संबंधित, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पोलीटिकल साइंस दे इत्थे तक कर ले सी आपां, काफ़ी होर टॉपिक भी क्लीयर कर ले आ। सो इस तरह आप लड़ीवार चले हुए हैं, नाल दी नाल आप लैक्चर हिस्टरी दे भी लैके आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्टरी अपनी शुरू की हुई है। सो आप ज़्यादा समा ना खराब करिए, शुरू करते हैं अज का लैक्चर। तुसी जुड़े रहे हो अपने चैनल नाल। आपां हुण दुबारे शुरू किया है कंटेंट, तो आप लड़ीवार चलते रहेंगे। नाल आप GK का भी शुरू करिया जी, हुण एक लैक्चर डेली GK का दिया करांगे, तां जो जिहड़ियां होर पोस्टां आईयां ग्राम सेवकां दी आईयां, कलैरिकल पोस्टां आईयां, उहदे विच GK हर एक पोस्ट दे विच पुछी जाऊगी। सो GK नूं भी तुसी कवर कर सकदे हो। शुरू कर लईए जी अज का पहला प्रश्न। राजपाल दे नाल संबंधित प्रश्न होणगे जी सारे। संविधान का अनुच्छेद 153 किस पदवी की व्यवस्था करता है? सो आर्टिकल जिहड़ा 153 जी संविधान दे विच दर्ज, ये राजपाल दे नाल संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 सही है जी। राजपाल की पदवी की जिहड़ी व्यवस्था हैगी वो आर्टिकल 153 दे विच लिखी हुई हैगी। सो ऑप्शन नंबर 2 सही है जी। जेकर पंजाब के मौजूदा राजपाल की गल करिए, उहने जी बनवारी लाल पुरोहित, ये नोट कर लियो तुसी, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के मौजूदा जड़े गवर्नर ने, राजपाल ने गे। तो जोड़ा पहला पंजाब का सब तो पहला राजपाल सी, जा गवर्नर कह सकते हैं, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी सी। जेकर भारत के गल करिए भी पहली औरत राजपाल कौन सी, तो सरोजनी नायडू सी जी UP के। सो अगला प्रश्न 2 नंबर जी। राष्ट्रपति किस आर्टिकल अधीन गवर्नर की नियुक्ति करता है जी? सो देखो आर्टिकल जिहड़ा 153 पदवी है, जेकर आर्टिकल 153 जिहड़ा संविधान दे विच उत्थे तां लिखा होया भी एक राजपाल होगा हर एक राज दे विच, जिहड़ी हुण इस राजपाल की जां गवर्नर कह लो इहदी नियुक्ति जिहड़ा करता है राष्ट्रपति, वह किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, 154 दे, 155 जां 156? सो ये करता जी आर्टिकल 155 के अधीन। जिहड़ा 156 आर्टिकल है जी, इहदे विच गवर्नर का कार्यकाल दस्या होया भी किन्ना होगा, किवें होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 सही है जी। 3 नंबर प्रश्न करते हैं। राष्ट्रपति राजपाल की नियुक्ति किस दी सिफारिश ते करता है? सो अपन क्लीयर हो गया भी राजपाल की जिहड़ी नियुक्ति हैगी वो राष्ट्रपति वल्लों की जाती है, पर राष्ट्रपति है जिहड़ा वो किहदी सिफारिश दे नाल राजपाल की नियुक्ति करता? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सिफारिश नाल, हाई कोर्ट के मुख्य जज की सिफारिश नाल, प्रधानमंत्री जां मुख्यमंत्री? सो ऑप्शन नंबर आपां 3 दे नाल जावांगे जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है गा, जां राष्ट्रपति उहदी सिफारिश दे अनुसार राजपाल दी किसी राज दे विच जिहड़ी हैगी हैगी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 सही है जी। 3 प्रश्न का एक नाल गल कर लिए भी 1956 दे विच संविधान दे विच इक सोध हुई, किहड़ी सत्तवीं संविधानक सोध हुई, उहदे विच इह व्यवस्था कर दित्ती गई, इह गल फिट कर दित्ती गई, नोट करा दित्ती संविधान दे विच भी इक राजपाल इक राज जां दो राज जां दो तों वध राजां दा राजपाल भी हो सकता है। सो 4 नंबर प्रश्न जी। किसी भी राज दा राजपाल बनने लई घट्टो घट्ट उम्र किन्नी होनी चाहिए है? सो देखो कई बार यह प्रश्न सानू हल्का जिहा लगता हुंदा, सौखा जिहा लगता हुंदा, पर हर एक ना मतलब जिहड़ा संविधानक अहुदेदार है, जे वह लोग सभा का मैंबर है, विधानसभा का मैंबर है, राष्ट्रपति है, राजपाल है, इन्हां लई अलग अलग उम्र निश्चित की गई नेगियां। जिवें हुण 25 साल वास्ते विधानसभा के जिहड़े मैंबर बनते हैं MLA 25 साल की उम्र वाले बन सकते हैं। सो जिहड़ा हैगा राष्ट्रपति वगैरह उहदी जिहड़ा लोग सभा के मैंबर बनते हैं वह 30 साल के जिहड़े बन सकते हैं। सो इत्थे जिहड़ी व्यवस्था की गई है 35 साल राजपाल की उम्र है जिहड़ी घट्टो घट होनी चाहिए चोण वेले सिलैक्शन वेले। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 35 साल। 5 नंबर प्रश्न जी। राजपाल की योग्यता संबंधी किहड़ा कथन गलत है? इन्हां दे विचों गलत कथन चुनना आपां, वह भारत का नागरिक होवे ठीक है, उसकी उम्र घट्टो घट 35 साल होवे ये भी ठीक है, वह अपने कार्यकाल दौरान राज विधान मंडल का मैंबर भी रहेगा, ये गलत है जी ऑप्शन। सो यह मतलब गलत ऑप्शन आ गई, राजपाल दे नाल संबंधित यह सूट नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 भी पढ़ लें, वो केंद्र जां राज सरकार अधीन किसी लाभदायक पद उत्ते ना लगा होवे। सो राजपाल दे लई ये गल्लां 3 सही ने, ते ये जिहड़ी
तीसरी गल है ये राज्यपाल ते ढुकदी नहीं, वह किसी भी राज विधान मंडल का मैंबर नहीं हुंदा जी। छे नंबर प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी सरकारी आयोग ने किहड़े किहड़े सुझाव दिते सीगे? राज्यपाल की नियुक्ति समय संबंधित राज के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति लोग सभा के स्पीकर नाल विचार वटांदरा किया जाना चाहिए। सो जो राज्यपाल की नियुक्ति होंगी है जी तो जरा सरकारी कमिशन से उन्हें यह सुझाव दिते सी, पहला ऑप्शन सही है जी, वह संबंधित राज तो बाहर का व्यक्ति होवे। ये गल बड़ी वड्डी है जी, सही है, मतलब जेड़ा राज्यपाल हुंदा है जेड़े राज दे विच नियुक्त हुंदा है वह उत्थों का वसनीक नहीं हुंदा जी, वह जीवन के किसी खेत्र विच उगा व्यक्ति होना चाहिए, वह फेमस जरूर होवे। ऑप्शन नंबर चार सही है जी, सारियां गल्लां इह कहियां सी सरकारी आयोग कमिशन ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध के। ऑप्शन नंबर फोर सही है। सत्त नंबर प्रश्न जी, धारा 156 अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 6 साल, 4 साल या 7 साल? सो 156 के अनुसार कार्यकाल की व्यवस्था की गई है जी, 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर एक सही है जी, ऑप्शन नंबर एक सही है दोस्तों। अठ नंबर प्रश्न, राज्यपाल उसका कार्यकाल पूरा होने तो पहला भंग करने की शक्ति किस को होंगी है? मान लो एक राज का जो राज्यपाल है गवर्नर है वह अपने काम को सही तरीके नहीं कर रहा, वह कार्यकाल भी पूरा नहीं होया तो उन्होंने भंग किया जाना है मुख्यमंत्री वालों, प्रधानमंत्री वालों, राष्ट्रपति वालों, उपराष्ट्रपति वालों। सो अठ नंबर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर तीन सही है, तुम समझ गए होंगे, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता तो उन्होंने भंग या उन्होंने अहदे तो हटा सकता, वह भी राष्ट्रपति को शक्ति हैगी है जी। 9 नंबर प्रश्न, राज्यपाल नूं सहुं चुकाउण दी रस्म कौन अदा करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार असीं इत्थे उलझ जाने आ, सारियां गल्लां जिहड़ियां सानूं लगी जांदियां ने वी राष्ट्रपति सहुं चुकाउंदा होऊगा, प्रधानमंत्री सहुं चुकाउंदा होऊगा, सो सारियां गल्लां सानूं सही लगी जांदियां रहिंदियां ने, पर इहदा आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, राज दी उच्च अदालत दा मुख जज। मुख जज चुकाउंदा जी हाई कोर्ट दा, जिहड़े राज दे विच मतलब राज्यपाल चुनना है उह चुण तों बाद उहदी सहुं है जिहड़ी चुकाउंदा राज उत्थों दा हाई कोर्ट दा जज। जे हाई कोर्ट दा मुख जज मौजूद नहीं है तो वह बराबर का कोई होर जज जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, राज विच एडवोकेट जनरल अते राज लोक सेवा आयोग के मैंबर की नियुक्ति कौन करता? सो दो पुछे ने, एक तो एडवोकेट एजी कौन ने अपने पंजाब के, डॉक्टर अनमोल रतन सिंह सिद्धू नवे बने हुए ने जी, ये एक राज लोक सेवा आयोग, इन्हों के मैंबर की नियुक्ति कौन करता है? सीधी जी गल है राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पर यह नाल ये आप होर अटैच कर लिए मंत्रीमंडल की चोण भी ये राही होंगी है, मुख्यमंत्री जो मतलब जिहड़ी पार्टी जीतती है विधानसभा दे विच वो अपने लीडर नू पेश करती है मता पा के राज्यपाल दे कोले, तां राज्यपाल उन्हूं मुख्यमंत्री लई चोण करदा, उहदी यूनिवर्सिटियां दे जिहड़े चांसलर ने उन्हां दी नियुक्ति भी राज्यपाल करदा। सो इह सारियां गल्लां ध्यान च रखियो, ऑप्शन नंबर 4 सही, 2 सही है जी। 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति किस दी रिपोर्ट दे आधार ते किसी भी राज विच धारा 356 दे अनुसार संविधानिक संकट काल दा ऐलान कर सकदा है? सो राष्ट्रपति राज लगदा हुंदा है जी आर्टिकल 356 दे अकॉर्डिंग, सो यह किसी भी राज विच जो ये अनुसार लगता है तो ऐलान करता है, कि रिपोर्ट के आधार पर करता है? राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? सो दोस्तों ऑप्शन नंबर कि जावे आप 2 के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। राष्ट्रपति देखो राष्ट्रपति राज लगाउंदा किसी राज दे विच आर्टिकल 356 के अनुसार, उन्हों की पता लगता है भी इस राज दे विच राष्ट्रपति राज लाउणा जरूरी आ, तो वह राज्यपाल उन्हों रिपोर्ट दिंदा भी इस राज दे जिहड़े हालात ने वो ठीक नहीं हैगे जी, इत्थों दी संविधानक जिहड़ी सरकार है विधान दी वह सही नहीं चल रही, सो इत्थे इहनू मतलब राज नू केंद्र दे अधीन कर लिया जावे, राष्ट्रपति राज लागू कर दिता जावे। जदों राष्ट्रपति राज लागू हो गया उहदा सारा राज भाग जिहड़ा हैगा कम धंधे राज्यपाल चला। ऑप्शन नंबर 2 सही है जी। 12 नंबर प्रश्न, राज्यपाल राज विधानसभा विच एगलो इंडियन जाति दे किन्ने मैंबरां नूं नामजद कर सकदा है? 1, 2, 3 या 4? सो दोस्तों एक मैंबर नूं नामजद कर सकदा है, पर ये पंजाब दे विच कदे भी नहीं होया, ये नामजद पंजाब दे विच नहीं हुंदा, लगभग भारत के 14 राज्यां विच ये एगलो इंडियन जाति दे एक मैंबर नूं उत्थों दा राज्यपाल नियुक्ति दिंदा है। मैनू डट क्लीयर नहीं पता, आप थोड़ा जिहा होर डंगाई नाल इहदे बारे सर्च कर लाँगे, मेरे ख्याल दे विच ये हुण अज तो 14 राज्यां च भी ये बंद कर दिता शायद,
लोग सभा च तां मैनूं क्लीयर है भी उत्थे तां नहीं चुणिया जांदा, सो विधान सभा च भी मेरे ख्याल च इह बंद कर दित्ता। सो फिर भी आपां इहते सर्च करांगे, तुसीं आप गूगल सर्च कर लिओ। चुणिया जांदा सी एग्रो इंडियन दा इक। सो 13 नंबर प्रश्न जी, आम तौर ते राज विधान मंडल द्वारा पास किए गए सारे बिलों नूं अंतम प्रवानगी कौन दिंदा? सो इह राजपाल दिंदा जी। जदों भी विधान मंडल दे विच जो इजलास बुलाया जाता उत्थे कानून पास किए जाते हैं, उन्होंने अंतम प्रवानगी लई साइन करदा राजपाल। जिवें कि हुण अपने पंजाब दे विच कई बिल पेश किए ने, एक तां इह भी MLA नूं एक ही तनखा एक ही पैनशन मिलेगी, ते जिहड़े झोना लाउणगे सीधी बिजाई करनगे उन्हां नूं 1500 किसानां नूं मिलेगा। ये सारे जिहड़े बिल पास हुंदे ने सो उन्हां ते राजपाल साइन करदा। एक चन्नी सरकार ने बिल पेश कीता सी 36,000 कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन संबंधी, उहदे विच राजपाल नूं कोई नुक्स लग्गिया, उहने वापस विचार वटांदरे लई वापस भेज दित्ता सी, साइन नहीं कीते सी। मतलब किसी भी कानून ते किसी भी बिल ते अंतम प्रवानगी राजपाल साइन करके दिंदा गा। जे उते साइन राजपाल करे तां उहनूं प्रवानगी मिल जांदी है, जे ना करे तां उह लागू नहीं हुंदा जी। ऑप्शन नंबर 3 सही आ। 14 नंबर प्रश्न, राजपाल राज विधान मंडल दे एक साल विच लगभग किन्ने इजलास बुला सकदा? सिर्फ एक, सिर्फ पांच, सिर्फ दो, जां सिर्फ 10? सो सिर्फ दो बुला सकदा जी। एक इजलास दे विचकार 6 महीनों का समा होना जरूरी है, तो वध नहीं होना चाहिए, घट तो घट 6 महीनों का होना चाहिए। साल च दो इजलास बुला सकता है। विधान परिषद ते विधान सभा दीआं बैठकां दी प्रधानगी करदा जिहड़ा, उह भी राजपाल करदा, उहनां दीआं बैठकां नूं बुलाउंदा, उह भी राजपाल बुलाउंदा जी। सो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न जी, 15 नंबर, जेकर राज विधान मंडल का इजलास ना हो रहा हो तां राज विच अध्यादेश जारी करन दा अधिकार किस कोल आ? मान लो विधान मंडल का इजलास नहीं हो रहा, तो मतलब राज दे विच किसी कानून दे लागू करन दा समय की लोड़ आ गई, कोई अध्यादेश जारी करन दी लोड़ आ गई, तो वह राजपाल करदा। ऑप्शन नंबर 2 सही है जी। यह आर्टिकल हैगा 213 दे अकॉर्डिंग, आर्टिकल 213 दे अनुसार करदा जी। अगला प्रश्न 16 नंबर, पंजाब दा पहला राजपाल कौन सी? ये आपां पहला करवा चुके हैं, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर 1 सही आ। जिहड़ा गोपी चंद भार्गव सी ये पहला मुख्यमंत्री सी जी पंजाब दा, मुख्यमंत्री। सरोजनी नायडू भारत की पहली औरत राजपाल सीगी यूपी दे विच। 17 नंबर प्रश्न जी, किसी भी राज दीआं यूनीवर्सिटियां दा चांसलर कौन हुंदा गा? सो इह राजपाल हुंदा जी। जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां हुंदियां राज दे विच उहनां दा मुख चांसलर जिहड़ा चांसलर हुंदा है, उह राजपाल हुंदा है। वाइस चांसलर जिहड़ा कि यूनीवर्सिटी दे काम धंधे नूं चलाउंदा है, उहदी नियुक्ती राजपाल करदा। ऑप्शन नंबर 4 सही आ। 18 नंबर प्रश्न, अज दे वीडियो लैक्चर दा आखिरी प्रश्न है, चैनल नाल जुड़े रहो। ऐसे तरह मास्टर केडर SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੱਧਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੱਧਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ SST ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ? ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।